नहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज 41वां स्थापना दिवस मना रही है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हम सब इस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के पूर्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्रवाद के जिन तत्वों को लेकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की, उन सारे उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज एक लंबा सफर तय की है और पूरे देश में यह दूसरी बार एक मजबूत सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति इस बात को बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वस्पर्शी सरकार का बेहतर संचालन किया है और समाज के सभी वर्गों के प्रति हमारी सरकार ने उनके विकास के लिए, देश के विकास के लिए काम किया और साथ ही जो राष्ट्रवाद जो हमारी मूल अवधारणा है उसको लेकर काम कर हम सब काम करके जो पूर्व के जितने भी ऐसे एजेंडे थे जो देश को कहीं ना कहीं और देश के जनमानस को झकझोर रहा था उसको हम सबों ने बेहतर ढंग से लाने का काम किया। मधुबनी संघ आप सर क्या कहेंगे? सर नहीं बोलेंगे सर, आप नहीं बोलना चाह रहे नीचे करो नहीं आ रहा थी तो हमारे हो गया। हमारे सरकार के मंत्री के रूप में गए हैं और सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और इस संबंध में किसी भी इस प्रकार के जो अपराधी हैं जिन्होंने मधुबनी ऐसी घटना को अंजाम दिया है वो बक्से नहीं जाएंगे और इस तरह के चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री सर 9 दिन हो गया अभी तक इस पर अनुसरण कर रही है और शीघ्र ही तो स्पीडी ट्रायल करके उसे सजा। तेजस्वी जा रहे हैं क्या, राजनीति कर रहे हैं क्या इस पे? सर तेजस्वी यादव जा रहे हैं वहाँ, क्या लगता है अब राजनीति इस पर शुरू हो गई? नेता प्रतिपक्ष है वो, अब उनका हिसाब रखना बहुत मुश्किल है। वो कब दिल्ली जाते हैं, फिर दिल्ली से कब वो मधुबनी आते हैं, फिर मधुबनी के बाद फिर वो कहाँ जाएंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। हम सब तो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर काम करते हैं और हमारी उपस्थिति और हमारे सरकार की चिंता बताती है कि हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की एक घटनाओं पर नजर रखते हैं और उसका जो भी बेहतर समाधान हो सरकार के स्तर से वो हम सब। कोरोना को लेकर भी सर आज बैठक है सर, मीटिंग है डीएम और एसपी के साथ, क्या कुछ खास है इस मीटिंग में? निश्चित रूप से देखिए, कोरोना जिस प्रकार से दूसरे चरण में पूरे देश को घेरा है और उसमें लगता है कि बिहार भी अछूता नहीं है, स्वाभाविक रूप से देखिए बिहार में जो मानव बल का जो संसाधन है यह हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। आखिर हमारी सरकार बिहार के लोगों के लिए काम करती है और हम सब ने एक बेहतर प्रदर्शन कोरोना से बिहार के लोगों को बचाने के लिए किया। इसके लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम हमारे जो कर्मी हैं जिन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में उसका सामना किया, कई हमारे अग्रणी चिकित्सक, हमारे कर्मी, हमारे बिहार के लोग काल कलवित हुए, तो स्वाभाविक है कि वो हमारी सरकार की चिंता है। और आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 में से 2 में हमने प्राथमिकता पर आम लोगों को टीकाकरण करने का जो वादा किया था उस वादा को पूरा भी किया और चरणबद्ध तरीके से टीकाकरण हम सब कर भी रहे हैं। आने वाले दिनों में कैसे बिहार कोरोना मुक्त हो, क्योंकि बिहार के सामने जो एजेंडे हैं, जो मुद्दे हैं, एक विकसित बिहार के रूप में अगले 5 वर्षों में हम कैसे बिहार को ले जाएं, तो वो जब तक कि एक स्वस्थ बिहार हम नहीं बनाएंगे तब तक उन मामले बढ़ रहे हैं, उन उद्देश्यों तक हम पहुंच नहीं सकते लॉकडाउन को लेकर। देखिए उसमें तो जो समूह है बना हुआ अधिकारियों का, फिर अपने माननीय मुख्यमंत्री जी उसको देख रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार
इन चीजों की समीक्षा भी कर रहे हैं और सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। तो हम लोग जो भी निर्णय लेंगे राज्य के हित में लेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जिन्होंने मधुबनी नरसंहार को साफ तौर पर बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब पत्रकारों ने इनको घेरा तो जवाब दिए कि हमारे मंत्री बबलू सिंह नीरज वहाँ पे गए थे और स्पीड ट्रायल करके जल्द से जल्द दोषी को सजा दी जाएगी। मेरा नाम पृथ्वी सिंह है, कैमरे के पीछे वरुण झा है, आप जनता दर्शन देख रहे थे। धन्यवाद।